बच्चों अपन एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है गुरु बीजाणु। क्या नाम है? गुरु बीजाणु। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 2 है एनसीईआरटी में और सीबीएसई में और आरबीएसई में। जो आरबीएसई में नया सिलेबस आएगा उसमें चैप्टर नंबर 2 है जिसमें एक टॉपिक है गुरु बीजाणु। पुष्पी पात्रों में लैंगिक जनन में टॉपिक का नाम है गुरु बीजाणु या अपन कह सकते हैं स्त्री केसर। क्या भाग है? स्त्री केसर का भाग है। या कह सकते हैं मादा युग्मोद्भिद। ये तीन नाम एक साथ ही लिखे इन्होंने। ठीक है, तो आपको अगर फोन में कुछ बच्चे ऐसे भी कहते हैं कि सर हमारे ये आपका जो वीडियो थोड़ा डार्क दिखता है, तो वीडियो डार्क दिखता है तो आप क्या है तो अपने फोन की ब्राइटनेस है उसको थोड़ा इंक्रीज करें। और फोन की ब्राइटनेस जब इंक्रीज करोगे तो आपको बिल्कुल ये अक्षर है वो साफ दिखेंगे लिखे हुए कि क्या मैंने लिखा है। तो गुरु बीजाणु है, स्त्री केसर है, मादा युग्मोद्भिद है, उसके बारे में अपन समझेंगे। ये चैप्टर नंबर 2 है, उसके अंदर एक टॉपिक है, उस टॉपिक को अपन क्लियर करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 के अंदर आप मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अब गुरु बीजाणु है उसके बारे में आपको समझाते हैं। सबसे पहले पुष्प है, उस पुष्प के अंदर क्या है थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको वापस देते हैं। पुष्प का मादा भाग है, क्या है? पुष्प का मादा भाग होता है उसको कहते हैं जायांग। पुष्प के मादा भाग को किस नाम से जानते हैं? जायांग के नाम से जानते हैं। अब जायांग है इसके प्रत्येक अवयव को, जायांग के प्रत्येक अवयव को अपन क्या कहते हैं? जो जायांग है उसके प्रत्येक अवयव को, जायांग के प्रत्येक अवयव को अपन क्या कहते हैं? स्त्री केसर या अंडक कहते हैं। स्त्री केसर या अंडक, जायांग के प्रत्येक अवयव को किस नाम से जानते हैं? स्त्री केसर या अंडक। या पुष्प देखोगे, इस पुष्प के सबसे भीतरी भाग, पुष्प का सबसे भीतरी भाग होगा इस तरह का, ये इसका नाम अपन कहेंगे ये क्या है? ये स्त्री केसर या अंडक है सबसे भीतर की ओर। इसके बाहर यहाँ पुंक केसर है, ठीक है, ये पुंक केसर है इस तरह से, ये पुंक केसर है और ये स्त्री केसर है। तो पुष्प के मादा भाग को अपन क्या कहते हैं? जायांग कहते हैं। इसके प्रत्येक अवयव को अपन स्त्री केसर या अंडक कहते हैं। स्त्री केसर या अंडक या इसका नाम एक और लिखा होता है गुरु बीजाणु पर्ण। इसका एक और नाम लिखा होता है गुरु बीजाणु पर्ण, ठीक है, मेगा स्पोरोफाइल। तो स्त्री केसर या अंडक है। अब स्त्री केसर या अंडक के तीन भाग होते हैं। स्त्री केसर या अंडक के कितने भाग होते हैं? तीन भाग होते हैं। पहला भाग होता है वर्तिकाग्र, दूसरा अपन कहते हैं वर्तिका और तीसरा होता है अंडाशय। तीन भाग होते हैं, पहला भाग है वर्तिकाग्र, दूसरा है वर्तिका और तीसरा होता है अंडाशय। ठीक है, किसके कितने भाग है? तीन इसके भाग है। किसके भाग है? तीन स्त्री केसर के। तो स्त्री केसर या अंडक है एक ही चीज है, कार्पल कहते हैं अपन। स्त्री केसर या अंडक है उसके तीन भाग है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ये एक्चुअल में एक वर्तिकाग्र है, ये परागकणों को एकत्रित करती हैं, चिपचिपी होती हैं, या परागकण है उसके लिए बैठने के लिए जगह है, परागकण के अवतरण मंच है, यानी परागकण आओ बैठो यहाँ वर्तिकाग्र के ऊपर। ये वर्तिकाग्र का ये भी काम है भाई, परागकण घूम रहा है उसको चिपका लो, क्या करो, परागकण आए उसका स्वागत करो, आप बैठो आराम से। वर्तिका एक लंबी नली होती है, अंडा से एक गोल संरचना होती है। अंडा से एक अंदर अपने को क्या दिखाई देती है? अंडाशय के अंदर एक संरचना दिखती है जिसका नाम होता है बीजांड। क्या होता है? बीजांड। अंडाशय के अंदर एक संरचना होती है जिसका नाम होता है बीजांड। अब आपने देखा होगा कि ये पुष्प है, इस पुष्प में ये सब भाग जड़ जाते हैं और पुष्प से क्या बनता है? फल। अब ये जो अंडाशय भित्ति है उससे तो बनती है फल भित्ति, और बीजांड से क्या बनता है? बीज बनता है। बीजांड से क्या बनेगा? बीज बनेगा। इस प्रकार पुष्प से क्या बनता है? फल बनता है। तो ये आपको ध्यान रखना थोड़ा सा। अब मैं आपको दो तीन छोटे छोटे सवाल बताता हूं। सबसे पहले है एक अंडपी। क्वेश्चन पूछा जाता है एक अंडपी क्या है? एक अंडपी, द्वि अंडपी और बहु अंडपी, तीन चीजें हैं, तीन छोटी छोटी परिभाषा है। एक अंडपी किसे कहते हैं, द्वि अंडपी किसे कहते हैं और बहु अंडपी किसे कहते हैं? एक चित्र बनाऊंगा, चित्र बनाते ही आप उसकी परिभाषा बता दोगे, एक अंडपी, द्वि अंडपी और बहु अंडपी। ठीक है, मैं आपके सामने तीन पुष्प बनाऊंगा, आपको आराम से उससे क्या होगा, उत्तर आ जाएगा आपके दिमाग में। ध्यान से आप बताना मुझे कि क्या होगा
नाम से पता चल जाएगा आपको। ध्यान से देखना बच्चों, मैं क्या कलाकारी कर रहा हूं, मैं एक डायग्राम बना रहा हूं। उस डायग्राम की सहायता से आपको क्या करना, आंसर देना है कि सर डायग्राम क्या बना रहे। एक अंडपी, द्वि अंडपी और बहु अंडपी की परिभाषा है वो आपसे पूछी जा रही है। इस डायग्राम में आपको क्या है, ये अंडपी या स्त्री के सर कितना दिख रहा है, एक। परिभाषा इस शब्द के अंदर ही है, ऐसा पुष्प जिसमें एक अंडप होता है, ऐसा पुष्प जिसमें एक अंडप होता है उसे एक अंडपी पुष्प कहते हैं, और ऐसा पुष्प जिसमें दो अंडप होते हैं, अंडपों की संख्या क्या होती है, दो। द्वि मतलब दो, अंडप मतलब अंडप, समझ गए। और ऐसा पुष्प जिसमें दो से अधिक अंडक होते हैं, ऐसा पुष्प जिसमें दो से अधिक अंडक होते हैं। तो अपन ने बताया परिभाषा, जिसमें ऐसा पुष्प जिसमें दो से अधिक अंडक होते हैं, दो से अधिक अंडक होंगे उसको कहेंगे बहु अंडपी। ऐसा पुष्प जिसमें दो अंडक होते हैं द्वि अंडपी, और ऐसा पुष्प जिसमें एक अंडक होता है उसको एक अंडपी। तो एक अंडपी, द्वि अंडपी और बहु अंडपी अपन ने तीन प्रकार पढ़े हैं। ये परिभाषा छोटी छोटी याद होनी चाहिए आपको, एक अंडपी क्या है, द्वि अंडपी क्या है, बहु अंडपी क्या है। ऐसा पुष्प जिसमें एक अंडप होता है उसको एक अंडपी, और ऐसा पुष्प जिसमें दो अंडप होते हैं उसको द्वि अंडपी, और दो से ज्यादा मैंने अंडप बनाए तो इसका नाम होगा बहु अंडपी। अगर आप लोगों को ये क्लियर हो गया तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें इस ये कितने अंडपी पुष्प है, ठीक है। आप लोग बताना कि सर आपने जो ये गोला दिया है, गोल चक्कर बनाया है, उसमें कितने अंडप है, आप कॉमेंट बॉक्स में लिख के बताना। अब इसमें एक परिभाषा तो आपकी क्लियर हो गई है, एक अंडपी, द्वि अंडपी, बहु अंडपी वाली, और ये आपको समझ में आ गए होंगे अलग अलग भाग भी। ऐसी बात नहीं है कि ये ज्यादा भारी टॉपिक नहीं, इजीली है। अब उसके बाद में आता है वियुक्त अंडपी, वियुक्त अंडपी और युक्त अंडपी, युक्त अंडपी। वियुक्त अंडपी और युक्त अंडपी इसको संयुक्त अंडपी भी कहते हैं, ठीक है। संयुक्त क्या है, अंडपी क्या है, और वियुक्त। अब दो डायग्राम इसमें भी अपन दो चित्र बनाएंगे, उससे आपके क्लियर हो जाएगा। ये जैसे पुष्प है और ये जैसे पुष्प है, ठीक है। आप डायग्राम देख के आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो। इसमें आपने इस तरह से देखा, ठीक है, तो भी मतलब होता है पृथक पृथक। जब पुष्प में क्या होते हैं, अंडप एक दूसरे से अलग होते हैं, जब पुष्प में अंडप एक दूसरे से पृथक होते हैं, पुष्प में जब अंडप एक दूसरे से पृथक होते हैं तो उसे कहते हैं वियुक्त अंडपी, ठीक है। परिभाषा बिल्कुल सिंपल है कि पुष्प देखा आपने, उसमें अंडप एक दूसरे से अलग है तो उसको कहते हैं वियुक्त अंडपी, और पुष्प में जब अंडप एक दूसरे से संयुक्त होते हैं। अब ये संयुक्त कोई वर्ड देता नहीं, सीधा यू लिखता है और यहां वी लिखता है, ठीक है। तो अपने को क्या है कि वी का मतलब याद रखना है, वी का मतलब होता है पृथक पृथक, क्या होता है पृथक यानी अलग अलग, और युक्ता मतलब होता है जुड़े हुए। ये आप लोग क्या है, ऐसा थोड़े बहुत अपनी हिंदी भी तेज रखो, बायोलॉजी में हिंदी भी थोड़ी तेज होनी चाहिए। परिभाषा कई बार प्रश्नों के अंदर ही परिभाषा होती है, लेकिन बच्चे सोचते हैं क्या लिखें क्या नहीं लिखें, तो अपने को थोड़ा टेक्निकल माइंड भी रखना पड़ेगा। पुष्प में अंडप आपस में जुड़े हुए, अंडप आपस में जुड़े हुए उसको कहते हैं संयुक्त अंडपी। तो संयुक्त अंडपी का मतलब है पुष्प है, उस पुष्प में अंडप आपस में जुड़े हुए हैं, तब उसको क्या कहते हैं संयुक्त अंडपी, और अंडप एक दूसरे से अलग अलग होते हैं तो उसको कहते हैं वियुक्त अंडपी। तो अपने वो दो परिभाषा अपने को याद हो गई होगी, वियुक्त अंडपी क्या है और युक्त अंडपी क्या है, यानी ये एपोकार्पस है। ये क्या है, एपोकार्पस है, अपने इंग्लिश तो ज्यादा है नहीं। फिर उसके बाद ये सिनकार्पस है, ये अपने ध्यान रखना है कि अगर अंडप है या स्त्री केसर है
दोनों एक दूसरे से अलग है। देखो मैंने इसमें चित्र बनाए, क्या आपको ये जुड़े हुए दिख रहे हैं? नहीं, अलग अलग है। कैसे हैं? अलग अलग है। क्या इसमें अंडक जुड़े हुए हैं? हाँ, इसमें अंडक एक दूसरे जुड़े हुए हैं। जब अंडक एक दूसरे जुड़े हुए हैं तो उसका नाम रख दो युक्ता अंडपी, और अंडक एक दूसरे से अलग अलग है तो उसको कहते हैं वियुक्ता अंडपी। ठीक है, अब अपन क्या है इसमें आपको एक बीजांड है उसका थोड़ा जुड़ाव बताते हैं। बीजांड का जुड़ाव कैसे क्या होता है? बच्चों आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, टाइम मिल गया आपको, थोड़ा एक बटन को दबा दें और नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि अगला वीडियो कब अपलोड हो आपको पता चल जाए। अब अपन देखो ये बीजांड है, क्या है? ये पुष्प है, इस पुष्प के अंदर ये बीजांड है। ठीक है, थोड़ा आपको इस बीजांड के बारे में ले जाते हैं। ये पुष्प है, इसमें ये क्या है? अंडक या स्त्री केसर है। इस भाग को कहते हैं वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। इसको कहते हैं वर्तिका। क्या कहते हैं? वर्तिका। और इस भाग को अपन कहते हैं अंडाशय। ठीक है, अब आपको ध्यान से समझना है, इस अंडाशय के अंदर ये बीजांड है। क्या है? ये बीजांड है। जैसे गेहूं है, जैसे आप देखोगे बाजरा है, जैसे चावल है, जैसे आपको बताना आम है, ऐसे पौधे होते हैं जिनके अंदर एक बीजांड होता है। लेकिन मैंने एक डायग्राम और बनाया, इसमें इस तरह से मैंने क्या है एक से ज्यादा बीजांड है उनको बना दिया, ऐसे बीजांड बीजांड बना दिए। तो ये क्या है? ये एक्चुअल में ऐसा है जैसे तरबूज है। क्या है? तरबूज आप लोगों ने खाया होगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके अंडक में, जिनके बीज अंडाशय में एक से ज्यादा बीजांड भी होते हैं। ये थोड़ा आप याद रखना, ये अपने परिभाषा इन्होंने दी नहीं है, सिर्फ इन्होंने इतना ही लिखा है कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके पुष्प में अंडाशय में एक से ज्यादा बीजांड होते हैं। तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है। वैसे आप लोग इसका एग्जाम्पल आराम से याद रख सकते हो, गेहूं बाजरा चावल है, आम है, और ये तरबूज में एक से ज्यादा बीज है। जैसे आपसे बीज देख रहा पौधा है, वो फल जो फल है उस फल के अंदर बीज ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो उसके अंदर बीजांड ज्यादा है। अब क्या होता है, अब आपको थोड़ा इसमें परिभाषाएं छोटे छोटे दो तीन पॉइंट्स है उनको समझो। एक पॉइंट आएगा इसके अंदर अपरा। क्या आएगा? अपरा। दूसरा पॉइंट इसमें आएगा बीजांड व्रंथ। क्या आएगा? बीजांड व्रंथ। और तीसरा पॉइंट आएगा नाभिका। क्या आएगा? नाभिका। ये तीनों आपको समझनी होगी अच्छी तरह से। बीजांड व्रंथ है, अपरा है और नाभिका है, तीन छोटी छोटी नाभिका को कहते हैं हाइलम। क्या कहते हैं? हाइलम। बीजांड व्रंथ को कहते हैं फनिक्यूलस। क्या कहते हैं? फनिक्यूलस। और अपरा होता है उसको कहते हैं प्लेसेंटा। ठीक है, आपको ध्यान से समझना किस तरह से क्या है। अब ये अपन एक डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम के अंदर तीनों पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे। ये बीजांड का भाग है, बीजांड की भित्ति है, जहां से ये बीजांड जुड़ा होगा उसको कहते हैं अपरा। अपरा क्या है? अपरा एक्चुअल में एक ऐसी संरचना है, बीजांड अंडाशय भित्ति का वह स्थान, अंडाशय भित्ति का वह स्थान, अंडाशय भित्ति का वह स्थान जहां से बीजांड जुड़ेगा, जहां से बीजांड जुड़ेगा बीजांड व्रंथ द्वारा। किसके द्वारा? बीजांड व्रंथ द्वारा। बीजांड व्रंथ क्या है? बीजांड व्रंथ आपको बताना है, एक पतली धागे जैसी संरचना होती है। बीजांड व्रंथ एक पतली धागे जैसी संरचना होती है जो बीजांड को अंडाशय से जोड़ती है। बीजांड व्रंथ एक पतली धागे जैसी संरचना है। बीजांड व्रंथ एक पतली धागे जैसी संरचना है। ये पतले धागे जैसी संरचना होती है। कैसी होती है? पतले धागे जैसी संरचना होती है जो बीजांड को, जो बीजांड को अंडाशय भित्ति से जोड़ती है। अंडाशय भित्ति इन द सेंस अपरा से जोड़ती है। जो अपरा से जोड़ती है, जो क्या करेगी? जो बीजांड व्रंथ को, जो बीजांड को अपरा से जोड़ेगी। अब अपन कहेंगे तीसरा नाभिका, तो बीजांड का वह भाग, बीजांड का वह भाग, बीजांड का वह भाग जहां से वो क्या होगा आपको बताना है, बीजांड व्रंथ से जुड़ेगा। जैसे ये अपन कहेंगे बीजांड व्रंथ बीजांड के जिस भाग से जुड़ेगा, बीजांड व्रंथ बीजांड के जिस भाग से जुड़ रहा है उस भाग का नाम होता है नाभिका। क्या होता है? नाभिका। ठीक है, तो नाभिका क्या है? बीजांड का एक भाग है जहां से आपके बीजांड व्रंथ जुड़ रहा है। अपरा क्या हो गया? अपरा अंडाशय भित्ति का वह स्थान
अंडाशय भित्ति का वह स्थान जहां से बीजांड जुड़ा होता है, जहां से क्या होगा बीजांड जुड़ा होता है, किसकी सहायता से बीजांड व्रंथ की सहायता से। बीजांड व्रंथ क्या है, पतले धागे जैसी संरचना है जो बीजांड को अंडाशय भित्ति यानी अपरा से जोड़ता है। नाभिका क्या है, नाभिका बीजांड का वह स्थान है जहां से बीजांड व्रंथ आकर जुड़ता है। अब एक और डायग्राम और क्लियर डायग्राम बनाऊंगा आपके, उससे तीनों क्लियर हो जाएंगे, आपको एकदम समझ में आ जाएगा कौन कहां पे क्या है। आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं, मैं आपको चित्र समझा दूंगा। परिभाषा तो आपको याद करनी पड़ेगी, आप सोचोगे सर समझा देंगे परिभाषा भी सर याद करा दे तो ठीक है बच्चों, परिभाषा तो आपको खुद को थोड़ी बहुत लिख लिख के याद करनी पड़ेगी, मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी ठीक है। आप लोग क्या है कि ऐसे कोल में ढोल बजाने कोशिश मत करना कि हाँ भाई हमने सुना और ठीक है, ऐसा कोई होशियार नहीं होता है कि सुनते ही उसको याद हो जाए ठीक है। सब क्या है नॉर्मली होते हैं, लेकिन कोई प्रैक्टिस करता है उसको तो एकदम अच्छा याद रहता है, और प्रैक्टिस नहीं करते हैं वो धीरे 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 क्या होते हैं भूल जाते हैं। ये क्या है, ये आपको तीन पॉइंट्स है, इनको ध्यान से आपको समझना है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये है बीजांड, क्या है ये है बीजांड ठीक है, ये है नाभिका, क्या है नाभिका, और ये क्या है बीजांड व्रंथ, क्या है बीजांड व्रंथ, और ये क्या है अपरा, क्या है अपरा। अब थोड़ा आपके क्लियर हो गया होगा, बीजांड का वह स्थान, बीजांड का वह भाग, बीजांड का वह भाग, बीजांड है इसका वह भाग जिससे आपके बीजांड व्रंथ जुड़ा होता है या जिससे बीजांड व्रंथ जुड़ता है। बीजांड व्रंथ बीजांड के जिस भाग से जुड़ेगा, इतना सारा बीजांड यहां से नहीं जुड़ा, यहां से नहीं जुड़ा, बीजांड व्रंथ जहां से बीजांड से जुड़ता है उस भाग को कहते हैं नाभिका। अब उसके बाद अपन कहते हैं बीजांड व्रंथ क्या है, पतले धागे जैसी संरचना है जो बीजांड को अपरा से जोड़ती है। अपरा क्या है, अंडाशय का, अंडाशय भित्ति का वह स्थान जहां से बीजांड व्रंथ आके जुड़ता है। अपरा का काम होता है इसको न्यूट्रिशन देना, तो ये आपको इसका थोड़ा ध्यान रखना, इंट्रोडक्शन मैंने दिया है। अब अपन क्या है इस बीजांड पे कंसंट्रेट करेंगे, अपना टारगेट अब नेक्स्ट होगा बीजांड, क्या होगा बीजांड होगा। तो अपन ने इसमें दो तीन छोटी छोटी परिभाषा पढ़ ली, एपोकार्पस यानी संयुक्त अंडपी, वियुक्त अंडपी, एक अंडपी, द्वि अंडपी, बहु अंडपी, अब लिखा हुआ है G2 यानी आप बताओगे द्वि अंडपी, ऐसा निशान बना हुआ है संयुक्त अंडपी ठीक है, G1 एक अंडपी, वियुक्त अंडपी या पृथक अंडपी। तो अपने को ये थोड़ा ये सिंपल आएगा, आपके लंग पढ़ रखा आपने वैसे, तो ये ध्यान रखना आप लोग।